हेलो फ्रेंड्स, लेट्स मेक डिलीशियस दाल मुंगलाई। उसके लिए हमने ये दाल ली है, हरी वाली जो हम स्प्राउट्स के लिए भी भिगोते हैं। ये बहुत हेल्दी होती है। इसको ओवरनाइट सोक करके रख लेना या 4 से 5 घंटे भिगो दो तो भी इनफ है। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन करके एक कुकर रख लिया है। इसमें हम 1 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे। अब इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं। 1 तेज पत्ता है, सबसे पहले हम इसे डाल देंगे। दालचीनी का टुकड़ा, इलायची काली वाली, हरी वाली, कुछ लौंग के टुकड़े। ये एक जायफल लिया है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से क्रश कर लूंगी। इसमें हल्का सा ही करना, ये बहुत स्ट्रोंग होता है। अच्छे से मसालों की जब खुशबू आ जाए तो हम ये दाल जो है इसमें शिफ्ट कर देंगे। और ये मैंने साफ पानी लिया हुआ है, इसलिए मैं पानी समेत इस दाल को इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से दाल को हिला लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच जितनी हल्दी और नमक डालूंगी, 1 से 1.5 चम्मच। अच्छे से मसाले को हिला लेना है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी आने देंगे। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए कम सेक पे पका देना, बिल्कुल सेक को निम कर देना है। एक तरफ तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा तेल ले लूंगी। तेल में हम थोड़े से कटे हुए प्याज डाल लेंगे। इसको मैंने मोटे मोटे रफली काटे हुए हैं। तेज सेक करके इसको हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। हमारी 1 सीटी आ गई है कुकर में और हम सेक को बिल्कुल कम कर देंगे और 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। इसको हम बरिस्ता बोलते हैं। अब इस फ्राई पैन को मैं खाली कर लूंगी। इसी फ्राई पैन में हम तड़का तैयार करते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। 1 छोटी चम्मच हींग है ये, और जीरा डाल दूंगी। इसे तिड़कने देंगे अच्छे से जीरे को। जीरा हमारा तिड़क गया है, इस टाइम हम कुछ अदरक और हरी मिर्च मैंने चॉप कर रखी है बारीक बारीक। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इसकी खुशबू आने तक। अदरक और हरी मिर्च जो हमारी फ्राई हो गई है, इसका हम चॉप प्याज डाल देंगे इसमें। इसको भी अच्छे से भून लेंगे इसमें सुनहरा होने तक। इस तड़के में हम टमाटर नहीं डालेंगे, उसकी जगह हम दही का यूज करेंगे। जब टमाटर महंगे हो जाएं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, लेकिन ये हल्के से और होएंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। इस टाइम हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे कलर वाली, और कुछ कुटी हुई मिर्ची डाल दूंगी मैं। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दही डालनी है। नहीं तो नमक डालने से जो दही है वो फट जाती है। अच्छे से एक बार मिर्च को इसमें भून लेंगे। अब मैंने फ्रेश दही ली है, थोड़ी सी इसमें दही डालूंगी, कम से कम 1/2 कटोरी जितनी। और इसको भी अच्छे से मसाले में भून लेंगे। प्याज के साथ हमारी दही भी जो है अच्छे से सिक गई है इसमें, मतलब अच्छे से घुल गई है प्याजों के साथ, अलग से नहीं दिख रही। इस टाइम हम इसमें अपने घर की फ्रेश मलाई डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और इसको फिर से भूनेंगे।
मैं दाल को सर्व करूंगी नान के साथ। नान हमारा रेडी हो गया है। दाल हमारी अच्छे से बन गई है। इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप करछी से, मधानी से, किसी भी चीज से कर सकते हैं इसको। इस तरह से एक मैश कर लेंगे इसे अच्छे से। अब ये तैयार किया हुआ तड़का जो है हम दाल में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको दाल में। तड़के के साथ दाल को हम अच्छे से पकने देंगे 1 से 2 मिनट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।